राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज मैं आप लोगों के साथ फैन क्लीनिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा घर का काम खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। तो थोड़ा साफ सफाई का ही रह गया। खाना पीना मैंने पहले ही बना के रख दिया, क्योंकि ऊपर से डस्ट गिरती है ना तो फिर सारा गंदा हो जाता है। और आज मुझे बाल भी धोने हैं, तो सोचा पहले इससे पहले फैन साफ कर लेती हूँ। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है ये फ़ैन। ये मेरे ना किचन के बाहर वाले पोर्शन में लगा हुआ है, बिल्कुल किचन के जो बराबर वाला पोर्शन है उसी में। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह सब कुछ बाहर निकल के आती है, और किचन में अंदर चिमनी नहीं है तो यही सारा पंखा इसको खींचता रहता है चिकनाई को। तो इस पे सारे पे पूरे पे चिकनाई जमी हुई है, तो बस इस चिकनाई को मैं साफ़ करूँगी। और इसको साफ़ करने के लिए ना ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ से एकदम साफ़ हो जाएगा ये। ज़रा सा बस आप उसे डालो और कितना भी गंदा पंखा हो फटाफट से साफ हो जाता है। और साफ़ सफाई के लिए मैं अपने सारे देखिए सामान लेकर बैठी हूँ, झाड़ू, डस्टर और एक बर्तन में पानी और जो स्कॉच वाइप है उसे भी ले आई हूँ। और इसी से साफ़ करूँगी मैं, बस इसमें एक चम्मच थोड़ा सा जेल मिलाऊँगी और वो जेल क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इससे ना ये ज़्यादा स्क्रबर जो है वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट वाला है, ज़्यादा हार्श वाला नहीं है, जिससे इसके स्क्रैच आ जाए पंखे पे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बस इसी के साथ मैं अपना पंखा साफ़ करना शुरू करूँगी। और पंखे को साफ़ करने के लिए मुझे ज़्यादा ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये विम जेल है, बस मैं इसी को मिलाऊँगी पानी में, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चम्मच मिलाने की ज़रूरत है। और इसी से पंखा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप किसी तरह के पंखे को साफ़ कर सकते हैं, जो भी हो, एडजस्ट फ़ैन हो या फिर सीलिंग फ़ैन हो, जो भी हो, कितना भी चिकना गंदा हो रहा हो, इसी से सब साफ़ हो जाते हैं। और हमें ज़्यादा कुछ हटलेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसमें नींबू वगैरह डालें या कुछ भी डालें, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विम में ऑलरेडी नींबू होता है। अगर लिक्विड नहीं है, साबुन है, आप उससे भी कर सकते हैं। बस अब मैं इसे कर लूँगी पानी में मिक्स और ऊपर खड़ी हो जाऊँगी तखत पे, क्योंकि हमारा पंखा ज़्यादा ऊँचा नहीं है तो मुझे ज़्यादा हटलेयर कुछ नहीं करनी है। सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ना सीढ़ी ना चेयर, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस अब मैं तखत पे खड़े होकर इसकी करूँगी सफाई। पहले तो मैं इसे वाइपर से झाड़ लूँगी, क्योंकि मोटा मोटा हट जाएगा ना तो थोड़ा आसानी हो जाएगी सफाई करने में। तो सबसे पहले मैं इसे वाइपर से ही झाड़ूँगी। झाड़ू से भी झाड़ सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन मुझे वाइपर का जो ब्रश है ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है इससे। मैं ज़्यादातर इसी से सारे जो गाटर वगैरह हैं या पंखा है जो भी है इसी को इसी से पहले झाड़ दूँगी और निकाल दूँगी। आप देख सकते हैं कितना ऊपर से कचरा गिर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ही गंदा हो गया था ये पंखा। रोज़ सोचती थी कि आज करूँ, लेकिन गर्मी की वजह से ना फ़ैन बंद करके काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैंने बस रोज़ कल करती रही। तो आज लाइट आ गई थी अभी, तो मैं नहाई नहीं थी, आज मुझे बाल भी धोना था, तो मैंने फिर सामने कूलर चला लिया, उसके बाद फिर इस पंखे को बंद करके तब सफाई कर रही हूँ। क्योंकि पंखा बंद करने के बाद पंखे की सफाई ना वावा, इतनी गर्मी में बिल्कुल नहीं, हमसे तो ना हो पाएगी। तो चलिए फटाफट से इसको साफ़ कर लेते हैं। मैंने विम के कपड़े से पोंछने के बाद में अब फिर मैं दूसरे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ गीले से, और उसके बाद फिर मैं दो तीन कपड़ों से साफ़ करूँगी। और देख सकते हैं आप कितना गंदा हो गया है जो पहला वाला कपड़ा है। फिर मैं दूसरा कपड़ा लेकर आई हूँ जो गीला है, ये भी हैंकी है टॉवल वाला, तो आप टॉवल वाले कपड़े से। और फिर उसके बाद मैंने तीन कपड़ों से साफ़ किया था इसको, और बिल्कुल चमक गया है पंखा। फिर मैंने लास्ट में ये सूखी टॉवल से साफ़ कर दिया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एकदम साफ़ हो गया है पंखा, कितना चिकना हो रहा था और बिल्कुल भी गंदा नहीं है, और कोई ख़ास मेहनत नहीं लगी इसमें, बस ज़रा से विम में को पानी में डाल के और एक बार वाइप करने से साफ़ हो गया था। और कितना गंदा निकला था मैंने आप लोगों को दिखाया है। अब बस मैं फटाफट से बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, और उससे पहले मारूँगी मैं जाले सारे घर के,
तो मैं इस वाले पोर्शन के पूरे के पहले सबसे पहले जाले मार दूंगी, और ऊपर से ना बहुत ज़्यादा डस्ट गिर रही है। इन दिनों में जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं, वरना भी कोई खास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जाले मारे हुए, मुझे 15 दिन के करीब हुए होंगे, और 15 दिन में ही आप जगह जगह देखो बहुत जाले लगे हुए हैं। तो मैं पहले फटाफट से पूरे उसमें जाले मार लूँगी, उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह चेंज करके झाड़ू लगाऊंगी। और इसी से ना मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, इसी लिक्विड से आप एक चीज़ और बहुत अच्छे से चमका सकते हैं, जो बिना खर्चे के, क्योंकि हम लोग काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें लाते हैं उसे साफ़ करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आप इससे ज़रा सी देर में उसको भी बहुत बहुत ही आसानी से साफ़ कर पाएंगे। और ये हमारे हम घर में हमेशा ही होता है, क्योंकि हम लोग बर्तन वगैरह यूज़ करने के साफ़ करने के लिए विम यूज़ करते ही करते हैं, विम या एक्सो जो भी यूज़ करते हैं, जो बर्तन वाले साबुन होते हैं उनसे हम ये चीज़ें बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं चिकनाई वाली। और हमारे ये किचन के पास वाला जो पोर्शन है, इसकी खिड़की हो या पंखा हो जो भी हो, ये बहुत चिकने हो जाते हैं, तो मैं इन सभी को और इसी से साफ़ करती हूँ। जब भी मेरा मन करता है या मुझे टाइम मिलता है तो मैं फटाफट से इसी से साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अब ये खिड़कियाँ, और खिड़की का कांच ना जैसे हम कॉलिन वगैरह लगाते हैं उस तरीके से जब शाइन आती है ना, इससे भी वही शाइन आ जाएगी आपको। आप देखिएगा, मैंने आप ये एक बार दिखाया है आपको ये मार्कर, उसके बाद फिर मैं गीला और सूखा कपड़ा साफ़ करके दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल चमक जाते हैं। आप कभी भी यूज़ करके देखिएगा, खिड़की के जो कांच होते हैं या गेट के कांच होते हैं, कहीं का भी मिरर हो, आप इस पर लगाइए और इसे फिर सूखे गीले कपड़े से चमका दीजिए, बिल्कुल एकदम शीशे जैसी शाइन हो जाती है आप, और कोई दाग धब्बा कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। और थोड़ा सा जो कैमरा हिल रहा है उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ना ट्राइपॉड टूट गया है, गिर गया था चेयर पे रख के जब मैं वीडियो बना रही थी तो। और ये देखिए मैंने आपको अब दिखा रही हूँ मैं, पूरा मिरर एकदम साफ हो गया है, और जूम करके भी दिखाऊंगी मैं अभी आपको, एकदम क्लियर हो गया है। और बस एक ही वाइप में और सूती कपड़े से आप पोंछ दो अच्छे से, जैसे टी शर्ट होती है, बनियान होती है या शॉर्ट होते हैं बच्चों के, उससे एक बार में ही साफ हो जाता है। तो बस अब मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करके उसके बाद फिर झाड़ू और पोछा लगा लूँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स मेरी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, बस अब झाड़ू पोछा करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो आप लोगों को मेरी क्लीनिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।